मुरादाबाद में बुखार का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि डेंगू बुखार की संख्या अब तक 86 के पार पहुंच चुकी है। अच्छी बात यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक किसी भी मरीज की डेंगू की वजह से जान नहीं गई है, लेकिन आम लोगों में डेंगू का डंक सता रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो जिले में सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार से निपटने के तमाम इंतजाम हैं। बताते चले कि मुरादाबाद मंडलीय जिला चिकित्सा में इन दिनों बुखार के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। ओपीडी कक्ष में भी मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं पैथोलॉजी कक्ष में भी ब्लड की जाँच कराने आए मरीजों की भरमार है। आलम यह है कि सुबह से दोपहर तक रोजाना जिला मुरादाबाद में 300 से 400 ब्लड सैंपल का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद CMS संगीता गुप्ता का कहना है कि मंडलीय जिला चिकित्सालय में डेंगू बुखार के मरीज को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य कैंप लगाकर ब्लड चेकअप किया जा रहा है, तो वहीं अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीजों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दवाई से लेकर उपचार और साफ सफाई का बेहतर इंतजाम है, जिससे वह संतुष्ट है। सिपली कब है? 3 दिन हो गए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ, लोकल एरिया से हूँ। अच्छा, किस बीमारी की वजह से भर्ती हुए? डेंगू। कितने दिन का है? 3 दिन हुए हैं। अच्छा, 3 दिन हो गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटर फील है। अच्छा, ट्रीटमेंट सही हुआ? हाँ, सही है। डॉक्टर टाइम पर आए? हाँ, डॉक्टर टाइम पर आते हैं, पूछ के भी जाते हैं, मेडिसिन वगैरह टाइम पर मिलती हैं। साफ सफाई कैसी? साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, दोनों टाइम आंटी आती हैं साफ सफाई करने, बेडशीट वगैरह सब चेंज करके जाती हैं। स्टाफ कैसा है यहाँ का? अच्छा है स्टाफ। कृष्णा। कृष्णा कहाँ से आया? मैम ये पीतल नगरी से। कब भर्ती हुई थी यहाँ पर? मेरे को आज 5 दिन हो गया। किस बीमारी की वजह से? डेंगू की वजह से। कैसा ट्रीटमेंट मिला है आपको? बढ़िया, बेहतर है। यस सर। दवाई टाइम पर? टाइम पर मिल रहा है। डॉक्टर टाइम पर आए? टाइम पर दे रहे हैं। कैसे तबीयत है? अब थोड़ा पहले से बेटर है। पहले से बेहतर है। सफाई व्यवस्था ठीक है? सब बढ़िया। अवनीश कुमार। अवनीश जी, कब आप यहाँ पर एडमिट हुए थे, किस कंडीशन में एडमिट? मैं हुए थे वार्ड, वार्ड नंबर डेंगू वार्ड है। कब एडमिट हुए थे? मैं आए थे 26 तारीख में आए थे। इस समय कंडीशन थी आपकी कितनी? प्लेटलेट कंडीशन प्लेटलेट थी 72 थी। इलाज भी ठीक हुआ, स्वस्थ हैं। मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन ठीक रहा सर। डॉक्टर साहब विजिट करने टाइम पे आए सर लोग? ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ हैं। रिपोर्ट हुई आपकी? रिपोर्ट हुई डेंगू। कितनी प्लेटलेट सर आज का रिपोर्ट हुई, उसमें आएगा देखते कितना है। नॉर्मल फील कर जी? अच्छा महसूस कर? अच्छा महसूस कर। बाकी सारी सुविधाएँ सही है? सब साफ सफाई ठीक है, देख रेख भी अच्छा किया डॉक्टर लोगों ने सभी। हमारे यहाँ मंडलीय चिकित्सालय में डेंगू का वार्ड अलग बना है, 10 बेड का वार्ड है, जो कि अभी इस समय 9 मरीज भर्ती हैं। सब पे मच्छरदानी लगी हुई है और सब तरह की दवाइयाँ, प्लेटलेट्स की सुविधा, IV फ्लूइड और फिजिशियन सब राउंड करना, डाइट वगैरह सब प्रॉपर हमारे यहाँ उपलब्ध है। मैम, किस तरह के पेशेंट होते हैं जिन्हें जो प्लेटलेट की बात कही जाती है कि प्लेटलेट चलना है, किस तरह के पेशेंट होते हैं? प्लेटलेट्स में या तो कोई सिम्टम्स होते हैं जिनकी प्लेटलेट 15-20 हज़ार से कम होती है, यूजुअली अब जो इंटरनेशनल गाइडलाइन आई है उसमें 10 हज़ार से कम प्लेटलेट्स पे प्लेटलेट्स चढ़ानी है, डेंगू का पॉजिटिव केस है 10 हज़ार से कम प्लेटलेट्स हैं तब उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो IV फ्लूइड और लिक्विड डाइट से ही पेशेंट सही हो जाता है। तो लेकिन अगर उसको सिम्टम्स हैं इस तरह के, कहीं रैशेज हैं जैसे ब्लड के स्पॉट्स हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा प्लेटलेट्स होने पर भी प्लेटलेट्स चढ़ाई जा सकती हैं, परंतु बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स के पीछे भागने की पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिकित्सक की सलाह पर ही प्लेटलेट्स चढ़वाएं। ब्लड की किस तरह से व्यवस्था है अपने यहाँ? हमारे यहाँ इस समय 135 ब्लड उपलब्ध हैं ब्लड सेंटर पर, और जब भी प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको तुरंत ही वो प्लेटलेट ब्लड सेपरेशन यूनिट से सेपरेट करके प्लेटलेट्स अलग करके दे देते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम है, 5 से 7 दिन है,
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ताज़ा ही प्लेटलेट्स निकाल के मरीज़ को उपलब्ध कराई जाए।